वेब सीरीज देखकर आया आइडिया, मैनेजर ने अपने ही बैंक से चुरा डाले 34 करोड़। मनी हाइस्ट वेब सीरीज का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? जाहिर है कि बैंक लूट, चोरी का प्लान और ढेर सारा पैसा। हालांकि यह वेब सीरीज महज मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ शातिर दिमाग ऐसे होते हैं जो कि फिल्म और वेब सीरीज को देखकर ही अपराध करने का प्लान बना डालते हैं। ऐसा ही कुछ मुंबई में देखने मिला है, जहां मैनेजर ने अपने ही बैंक से 34 करोड़ रुपए सफा कर डाले और सबूत भी नहीं छोड़ा। मामला कुछ इस प्रकार है कि कुछ महीने पहले मुंबई डोंबिवली के MIDC इलाके में स्थित ICICI बैंक की तिजोरी से 34 करोड़ रुपए के चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। अब कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी का नाम अल्ताफ शेख है, जो कि इसी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने बैंक की तिजोरी को लूटने की योजना 1 साल पहले से ही बनाना शुरू कर दी और इस प्लान को बनाने के लिए उसने मनी हाइस्ट वेब सीरीज भी देखी थी। उसके बाद उसने पहले तो बैंक सुरक्षा व्यवस्था खामियों का अध्ययन किया और चोरी करने के लिए सामग्रियों को एकत्रित किया। उसके बाद बड़ी ही चालाकी से छुट्टी का दिन देख बीते 9 जुलाई को बैंक के सारे अलार्म खराब कर दिए और फिर सभी कैमरों की हार्ड डिस्क भी निकाल दी। इन सब के बाद उसने पहले तो तिजोरी से 34 करोड़ रुपए चुराए और फिर उसे बैंक में लगी AC के डक से बैंक के पीछे वाली इमारत में लगे तिरपाल पर फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उससे आगे की पूछताछ जारी है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी तुर्की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।